अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वाल्कर का 10th एडिशन है, चैप्टर 7 है, काइनेटिक एनर्जी एंड द वर्क, प्रॉब्लम नंबर 4 है। वो कहता है एक्सप्लोजन एट द ग्राउंड लेवल लीव्स अ क्रैटर ऑफ डायमीटर प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन रेज पावर 1/3। या अब आगे इसको मैं नीचे समझाता हूँ। एक्सप्लोजन 1 megaton TNT लीव 1 kilometer डायमीटर, ये भी एक इन्फो दे रहा है। अब वो कहता है आपको जो लेक होरेन मिशिगन में है वो अपियर होता है एक एंशियंट इम्पैक्ट, यानी एक माजी में कभी किसी दौर में एक इम्पैक्ट हुआ होगा जो उसने 50 किलोमीटर का डायमीटर बनाया। वो कहता है व्हाट वाज द काइनेटिक एनर्जी, उस वक्त टक्कर जब लगी थी तो क्या काइनेटिक एनर्जी में वहां पे आई होगी। ये एनर्जी हमने मेगा TNT में भी बतानी है, हिरोशिमा के बम के इक्विवेलेंट भी बतानी है। अब वो कहता है कि एंशियंट मेल्टाइट जो आपका इम्पैक्ट आया था सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड क्लाइमेट किलिंग द डायनासोर्स एंड अदर लाइफ फॉर्म। तो कहता है कि माजी में जब ये होते थे मेटराइट हिट करते थे तो उससे हमारे एनवायरमेंट में भी चेंजेस आती थी। अब वापस चलते हैं, डायमीटर प्रोपोर्शनल है किस चीज के, ई की पावर 1/3 के, यानी जो एनर्जी है उसकी पावर 1/3 के। अब 1 megaton TNT जो है वो आपके पास एक कार्टर क्रिएट कर सकता है कितना, 1 kilometer डायमीटर का। और एक्स मेगाटन, क्योंकि हमें नहीं पता था जिसने वहां पे आया उसने कितने का क्रिएट किया, 50 kilometer डायमीटर का। अब हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी की लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि 1 kilometer का जो डायमीटर है वो प्रोपोर्शनल है ई की पावर 1/3, और ये 1 megaton की हमने लिखा है। 50 kilometer का जो डायमीटर है वो ई की पावर 1/3, मगर इसके नीचे एक्स मेगाटन मैंने लिखा है। अब आप इन दोनों की रेशियो उठा लो तो आपको 2 के साथ 1 से डिवाइड कर दें तो आपके पास यहाँ पे से इकट्ठा करके लिखा जा सकता है, पावर दूसरी तरफ जाके 3 हो जाएगी। यहाँ से ई 1 megaton तो हमें पता है ना, तो वो क्रॉस करके दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये वैल्यू हमने प्लेस कर दी ई 1 megaton की 4.2 × 10^15। इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो 5.25 × 10^20 जूल आ जाएगा। अब नंबर ऑफ न्यूक्लियर बम्स की बात कर लें तो हम जानते हैं कि आपके पास 1 megaton की जो एनर्जी है 4.2 × 10^15 जूल वो बराबर है किस चीज के, 1 megaton ऑफ TNT। तो 1 megaton ऑफ TNT में 13 kiloton ऑफ TNT, यानी आपके पास अगर हिरोशिमा बम की तादाद निकालनी हो तो वो हम इससे निकालते हैं, इस टूल से, रेशियो से। तो यहाँ पे मेगाटन को 1000 kilo TNT कर देंगे, वो किलोटन TNT कट जाएंगे नीचे वाले से, सारे को लेकर सॉल्व करेंगे तो 9.6 × 10^6 इतने बॉम्ब्स की ताकत के बराबर वो टक्कर हुई होगी। तो ये जनाब हमारे पास सलूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, पक्की इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।